सो कैसे आप सब दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो बाइक वो है टीबीएस राइडर 125 भाई लेकर आए थे। तो भाई से मिलवाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बेसिक सी मॉडिफिकेशन, 8-9 आइटम इसमें लगाई हैं। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर लुक, जो कि टीबीएस राइडर सीधे के सीधे शोरूम से भैया पहले शॉप पर आ रखे हैं और इसमें जो काम करवाया है उन्होंने बहुत ही नीटफुल, बहुत ही कम से कम, और इसे कहते हैं ना कम काम में ज़्यादा लुक लेना, तो वो एक चीज़ है। तो भाई अभी आप, मुझे लग रहा है घर भी नहीं गए शायद? नहीं नहीं, मैं गाड़ी लेके आया हूं। सीधे गाड़ी लेकर यहाँ पर आया हूँ। क्या रीजन था, घर क्यों नहीं गए? गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवाना था, इसके डीलर लेके आना था। आपको लगा था कि पहले मैं इसमें काम करवा कर ही घर ले जाऊंगा? घर लेके जाऊंगा। तो भाई ये प्यार है इनका और कुछ नहीं है, हम तो बस एक कोशिश करते रहते हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की, आप लोग उसे पसंद करते हो, बस यही हमारे पैसे वसूल हो जाते हैं भाई। तो जो भी काम हुआ है ऑल ओवर सही हुआ है? एकदम, बहुत बढ़िया। चलो भैया गारंटी काम अच्छा हुआ। मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जैसे क्या क्या चीज़ें हैं। एक यहाँ पर वाइजर लगाया है सबसे पहले, और काफ़ी लोग पूछते हैं वाइजर कैसे फिट होता है। तो भाई देखो चाइनीज़ पेज लगते हैं इसमें, और ये जो पेज है ये ऊपर का जो कवर है ना मीटर का, मीटर के अंदर नहीं है, मीटर के ऊपर के कवर के अंदर है, जो कि 400-500 कवर आता है। मान लो जो इन लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा कवर ख़राब हो जाएगा तो वो हट के चेंज करा सकते हो भाई। ये हो गया। एक यहाँ पर लोगो लगवाया भी है महादेव का, बाकी अगर आप लोग कोई और का लगवाना चाहते हो या किसी और तरीके का तो वो भी आप लगा सकते हो, नाम लिखवाना तो वो भी लगा सकते हो। पूरी मशीन लगा रखी है यहाँ पर, ये कंपनी वालों का ही पता हरामी हो रिबन। यहाँ पर एक विंगलेट है, ये वैसे डोमिनोर 400 की है, बाकी इस पर काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके अलावा एक यहाँ पर रॉड है जो कि आपने देखा होगा बुलेट स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे लोग लगवाते हैं इसको, ये रॉड रहती है। इसमें दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, एक खुलने वाला आता है जिसे खोल के इसके अंदर एक और रॉड निकलती है तो वो होता है, एक बिना खुलने वाला आता है। तो बुलेट स्टैंडर्ड में आपने देखा, बट इसमें राइडर में लगा दिया है जो कि आपके जो स्टॉक क्रैश गार्ड आता है उससे काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रहा है, ये देख सकते हो आप। इस पर आप फॉग लैंप वगैरह लगवा सकते हो, जैसे मान लो कभी इनकेस बाइक गिर जाता है तो आपका जो है ये वाला पार्ट सेफ रहता है, जैसे कि आपका इंजन हो गया। और ये फाइबर के पार्ट्स होते हैं आजकल बाइक में, 90% बाइक्स में फाइबर के पार्ट आ रहे हैं, डैमेज ना हो, स्क्रैच ना आए, उस लिए होता है दोस्तों। जैसे मैंने इसका इग्निशन ऑन किया, हैज़ार्ड सेटअप लगा रखा है, सेटअप से मेरा मतलब है इसमें LED बल्ब, इसका फोकस आप देखो भाई कितना ज़्यादा हाई है यार, ये देखो भाई। ठीक है जी, और इसके पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए जो आपका इंडिकेटर वाला स्विच है इसको दाएं बाएं बीच में दबाना है, जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट बीच में प्रेस, लेफ्ट राइट बीच में प्रेस। तो ये अगर आप इस तरीके से करते हो तो पैटर्न इसके चेंज होते हैं गाइस। ठीक है जी, पीछे से भी आप देख सकते हो उसको जो इंडिकेटर के लुक ये वाला है जी। एक टायर हैगर यहाँ पर लगा रखा है, सिंगल साइड फिटिंग है। ठीक है जी, सिंगल साइड फिटिंग हो गया आपका विद रिफ्लेक्टर के साथ है, बहुत ही यूनिक लुक दे देता है भाई। ये लो, ये हो गया आपका टायर हैगर। काफ़ी सारी वैरायटी आपको टायर हैगर की और मिल जाएंगी, जैसे कि ये वाला टायर हैगर मिल जाएगा एक जो कि लगा रखा है, एक ये हो गया कार्बन वाला, एक ये यूनिवर्सल आपने देखा होगा, वैसे सारे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल से मेरा मतलब है ये वाला जो सबसे ज़्यादा बिकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है गाइस। ये उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ गया आपका फोर्क स्लाइडर, जो कि सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते, आपके डिस्प्ले वगैरह टेढ़ी नहीं होती, लुक भी आता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैवी हैं, ये भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें इसमें एड ऑन कर रखी हैं। एक यहाँ पर देखोगे तो बार एंड मिरर लगा रखे हैं, जो कि ऊपर करके लगाए हुए हैं, आप नीचे करके भी लगा सकते हो, यानी कि अप डाउन करके जैसे आप चाहो सेट कर सकते हो। सिमटेक का मोबाइल होल्डर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 1.5 साल की गारंटी, कभी भी ख़राब हो नया ले जाओ गाइस। तो ये सब इसमें बेसिक सी मॉडिफिकेशन थी, और अगर आप यहाँ देखोगे तो गियर सॉक्स भी इसमें लगा रखा है। तो ये हो गए सिंपल सोवर मॉडिफिकेशन आपकी टीवीएस राइडर के लिए। जिन लोगों के पास राइडर के अलावा और कोई बाइक है तब भी आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो अपनी शॉप पर गाइस। तो ये बेसिक सी मोटिवेशन थी दोस्तों। तो अपने सामने है रेड ब्यूटी टीवीएस राइडर 125, और राइडर की काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ जो मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या क्या चीज़ें कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी तैयार हो जाती है बाइक बिल्कुल यूनिक। अब आप देख लो इसका लुक, इससे पहले जो क्रैश गार्ड लगा रहे थे ना वो क्रैश गार्ड ऐसे थे जो किसी बाइक के किसी में लगा रहे थे, क्योंकि लगाना भी जरूरी था, और इसका जो एक प्रॉपर कहते हैं ना सेटअप नहीं आया था। इसका ये प्रॉपर सेटअप है जो स्पेशली टीवीएस राइडर के लिए ही बना रखा है, ऐसा नहीं है किसी बाइक का। इसको लगाने के बाद अब मान लो कभी बाइक आपकी गिर भी जाती है, क्योंकि अब रोड पे निकलोगे तो कभी ना कभी स्टैंड लगाया या कभी किसी ने गिरा दी, तो स्क्रैचेस लगाना जो है वो लाजमी रहता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके के क्रैश गार्ड्स लगते हैं। बाकी पहले काफ़ी सारे लोग इस पर जो है इसकी प्रथा चलाई थी, वो काफ़ी सारे लोग हम ही थे जिन्होंने स्लाइडर की एक प्रथा चलाई थी, लेकिन वो फेल था, तो इसलिए पूरा क्रैश गार्ड लगा रखा है, पूरी फिटिंग है, देख सकते हो दो स्लाइडर इस पर दे रखे हो या फिर शॉर्ट कर रहे हो। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो इसमें ये रहता है जैसे मान लो कहीं बाइक गिरती है तो ये जो है ना स्लाइडर्स ये इसको रोकने का काम करते हैं, प्लस ऐसे कभी थक गए तो आप इस तरीके से पैर रख सकते हो। और लुक आप देख लो यार, काफ़ी सारे लोगों को जो है अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी सारे को नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सेफ्टी वाली चीज़ें हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। ये देख सकते हो गैप भी देख लो यहाँ पर कैसा है। इसके अलावा इसमें हॉर्न भी लगा रखे हैं जिसका काफ़ी मीडियम साउंड है, और विदाउट चलान, चलान का कोई भी इशू नहीं है किसी भी मॉडिफिकेशन में। ठीक है जी, हैंडगार्ड देख सकते हो इस पर रेड कलर की, इसमें जो है रैपिंग की गई है, और इंडिकेटर पर देखोगे तो येलो रहता है, बाकी अगर इसका एक ऑप्शन होता है जैसे ब्रेक पे ले लो या फिर इसको जो है इग्निशन पे ले लो तो ये ब्लू है, देखो यहाँ भी देख सकते हो आप।
ठीक है, स्लिम से ये वाटरप्रूफ इंडिकेटर लगा रखे हैं इसमें, और साथ ही में हैजार्ड लगा रखा है, जिसको अगर आप इंडिकेटर वाले स्विच को लेफ्ट राइट बीच में दबाते हो तो उसके पैटर्न जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे पीछे भी देख सकते हो आप। तो ये हो गया जी, और इसका फोकस यार काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो छोटे छोटे बारिक से, लेकिन इसका फोकस काफ़ी अल्टीमेट है। डबल टायर अगर लगा रखा है, सिंगल टायर अगर से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फिर भी जो है ना मिट्टी इस जगह पर होल्ड हो रही थी, तो अब क्या करा, डबल, एक अंदर की साइड में, एक बाहर की साइड में, एक डबल साइड फिटिंग, एक सिंगल साइड फिटिंग, ये देख सकते हो आप। तो इसमें ये चीज़ें लगा रखी हैं दोस्तों। बाकी सीट कवर की बात करूँ तो इसमें कुशन के साथ में सीट कवर लगाया गया है, जो कि कलर इसमें कस्टमर की चॉइस के हिसाब से लिया गया, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो सारा जो है कॉन्सेप्ट ब्लैक हो गया, साइड का रेड हो गया। बाकी अगर आप लोगों को सिंपल प्लेन लगवाना तो प्लेन भी लगवा सकते हो। एक ही यहाँ पर हो गया मोबाइल होल्डर, और एक ही हो गया वाइजर, ठीक है जी। एक यहाँ पर विंगलेट हो गई, तो ये सब इसमें मॉडिफिकेशन थी, लैमिनेशन पहले इस पर हो रखी थी, जरूरत नहीं थी करने की। बाकी आप लोगों को क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अपने एक राइडर देख ली, एक राइडर यहाँ पर और तैयार हुई है, और इसमें भी क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इसमें सिमिलर हैं बट कुछ इसमें अलग हैं। लाइक अगर बात करूँ सेंटर लॉक से, तो सेंटर लॉकिंग जो है वो इसकी जो वायरिंग वगैरह मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये दूसरी दुकान पर तैयार हुई थी। बाकी इसमें इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इसमें लगाने से किसी भी तरीके कोई वायरिंग इशू नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है जैसे कोई वायर कट हो जाएगी या नई गाड़ी की गारंटी वारंटी हट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें दो चाबी मिलती है, एक फ्लिप वाली मिलेगी, लाइक शक्ति कपूर मेरे कहने चक्कू, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। लॉक करो, अनलॉक करो, या मान लो पार्किंग कहीं बाइक लगा रखी है, या पार्किंग में लगा कर आप खुद भूल गए, या पार्किंग वालों ने जगह चेंज कर दी, तो ये फीचर काफ़ी काम आता है। देखो ठीक है जी, ये अनलॉक, अनलॉक से मतलब ये है कि अब इसको कोई टच करता है इस साइड या इस साइड, तो पता क्या होता है, ये इस तरीके का ना एक अलर्ट कर देती है। इसको बंद भी कर सकते हो, घर में पता चल जाए बच्चों को कि यार ये लगवा रखा, तो वो करते ही रहते हैं, इसको बंद कर सकते हो आप। और ये पावर वाला बटन देखो, ये होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सेंटर लॉकिंग का काम हो जाता है ख़त्म, और आपको दिखाते हैं। देखो उसमें वाइजर जो आपने देखा था उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह कर रखी थी, ये प्लेन है, उसमें विंगलेट थी, इसमें विंगलेट नहीं है। क्रैश गार्ड सेम है, क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मैंने आपको बताया था कि ये इसी ही बाइक का बनवाया हुआ है दो स्लाइडर के साथ, तो ये भी है। टैंक कवर है, छोटा मोटा सामान रख सकते हो, पर्स वगैरह अपना, जो मोबाइल वोइल है सेफ रहेगा, जिन लोगों को ये पसंद है वो लगवा सकते हो। इसके अलावा मोबाइल होल्डर है, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का, ये हैवी है, अनब्रेकेबल है, और विदाउट चार्जर है, क्योंकि चार्जिंग का जो है पॉइंट इसमें ऑलरेडी कंपनी देती है बाइक के अंदर, ज़रूरत नहीं होता आप लोगों को। हाँ, अगर आप लोगों को वायरलेस तरीके से इसको चार्ज करना है तो बात अलग है, ठीक है जी। हैंड गार्ड देख सकते हो आप, और हैंड गार्ड की काफ़ी सारी वरायटी और मिलेगी, टायर हैगर की भी काफ़ी सारी वरायटी आपको और मिल जाएगी। जैसे तो टायर हैगर की वाला है, ये है, ये कार्बन फिनिश वाला है, एक ही हो गया, और इसमें भी लगा रखा है। और टायर हैगर लगाने का जो मकसद है वो यही होता है, जो मिट्टी वगैरह इस जगह पर होल्ड हो जाती है ना, कि तो कितनी गंदी हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इससे सेफ्टी करता है, मिट्टी वगैरह जो आपकी बैक साइड में रहती है। एग्जॉस्ट जो है ये ओरिजिनल ही है, बस थोड़ा सा पेंट कर दिया, क्योंकि पैर रख रख के इसका जो है कलर उतर गया होगा, थोड़ा पेंट कर दिया। बाकी अगर आप लोगों को एग्जॉस्ट चेंज कराना है, लाइक इस तरीके के लगवाने हैं, तो भी लगवा सकते हो। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, डीवी कलर एंड विदाउट डीवी कलर। तो दोस्तों ये थी टीवीएस रेडर की मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों के पास कोई भी बाइक हो, सबकी मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो अपनी शॉप पर, जो कि मिलेगी आपको दिल्ली के करोल बाग नाईवाला मार्केट में SKD के नाम से। तो ये था आज की वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।